उससे पहले अभी हम थोड़े चोचले कर रहे हैं जो कि बचपन में नहीं करते थे। बिल्कुल बेसिक वर्कआउट होने वाला है लेकिन बिल्कुल इफेक्टिव। अपर बॉडी पे हाथ भी आता है, पहले लगाने से और मसल एक्टिवेट हो जाती है। और स्क्वैट लगाते टाइम ऐसी होती है। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज की वीडियो फुल लेजर स्टफ होने वाला आज, क्योंकि आज हम कराने जाने वाले हैं लेजर कुछ, वो आगे आपको दिख जाएगा, लेजर ट्रीटमेंट। उसके बाद जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज थी उसका एपिसोड है लेग डे, क्रेजी डे, तो वो भी आगे मिलेगा। और थोड़ा झुकाव उकाव हो गया, एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पूरी एनर्जी लाने की कोशिश करूंगा एपिसोड में। और बिगनर्स के लिए लेग डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होता है। तो इसको लेग्स डे को जो भी बंदे लोग जो भी लोग छोड़ते हैं लेग्स को मत छोड़ना। और पहले एक्सपेरिमेंट करने जाने हमें डर लग रहा है, क्यों तो बोला है कि ज्यादा पेन नहीं होगा, बट मेरे को पता है कि मेरी स्किन क्वालिटी, स्किन जो है स्किन फैट बॉडी फैट कम है, तो टैटू में भी सबसे ज्यादा पेन होता है, और ये लेजर वेजर में ना हो ज्यादा पेन। करा लेते हैं, देखते हैं। मैं वैसे ग्रोथ कम है फिर भी। उस एक्सपेरिमेंट से पहले एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि है प्रोटीन एक्सपेरिमेंट, जो कि है मसल प्लेस का प्रोडक्ट। वेयर इज इट? आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे हम। डॉक्टर अभिषेक इज हियर, आपके साथ और आपके बाद भी। तो आज हम प्रोटीन चेक करने वाले हैं, दूध का दूध पानी का पानी, सब सामने आएगा आज आपके। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मसल प्लेस का प्रोचेक। देख रहे हो डॉक्टर होता था ऐसा दिखता है। आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स में मार्केटिंग करते रहते हैं लोग, 30 ग्राम लिख देते हैं और उसमें 15 ग्राम भी नहीं होता प्रोटीन। आपकी मेंटल पीस और जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सही से इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो उसके लिए आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये दुनिया का पहला होम प्रोटीन टेस्टिंग किट है। एक हमारा है इसमें बायोजाइम का ISO 0 लो कार्ब, और एक इंटरनेशनल ब्रांड। लेट्स सी। तो दो सैंपल के लिए दो शेकर आ चुके हैं, और इसमें करेक्ट दोनों में 200 ml पानी जाएगा, 200 ml, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर मार्किंग है, अंदर कहीं लगे भाई ऐसे ही कर रहा है तो मार्किंग है इसमें, और डालते हैं। यस, तो दोनों में एक स्कूप प्रोटीन, और राइट वाला इंटरनेशनल स्टफ, नो चीटिंग, एग्जैक्ट 1 scoop प्रोटीन इस वाले में, नो चीटिंग, एग्जैक्ट इंटरनेशनल इंडियन मसल प्लेस। पहले नॉर्मली दोनों प्रोटीन को शेक करेंगे। कलर भी अलग अलग है, ये वाला मैंगो है, ये है कुकी एंड क्रीम, तो डिफ्रेंशिएट करने में इजी। मैंगो वाला है मसल प्लेस, दिस इज इंटरनेशनल। तो पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, और टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन डालेंगे जो कि है 35 ml एग्जैक्ट। दूसरे में भी डालेंगे 35 ml एग्जैक्ट। अभी हो जाता। अब दोनों में डालेंगे 10-10 ml प्रोटीन। सोल्यूशन को 10 से 15 सेकंड तक हिलाना है। तो ये नेक्स्ट बी इंटरनेशनल, एग्जैक्ट 10 ml डाला हमने, नो चीटिंग। तो केमिकल रिएक्शन दोनों में स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा वाइट है तो इसमें दिख नहीं रहा है, उसमें प्योर दिख रहा है, और नीचे जो वे कलेक्ट होने लग गया। और ये सिर्फ वे प्रोटीन के साथ करना, मैं इसलिए मैंने दोनों प्रोटीन वे प्रोटीन लिए हैं। जैसे दूध फटने से कर्डलिंग होती है, वैसे कुछ हो रहा है अभी। और इसको अभी 24 घंटे के लिए छोड़ना है फॉर बेस्ट रिजल्ट, तो इसको कल हम चेक करते हैं जब जिम जाएंगे उससे पहले। तो गाइस रेडी हो गया अपना लेजर, ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया है, इसका रिजल्ट बाद में कल, अभी पहले अपना एक्सपेरिमेंट कर ले लेजर वाला, तो उसके लिए निकलते हैं जल्दी से। लेजर वेजर स्टफ, ये लेजर भारी ना पड़ जाए हमारे। लोग भी स्पीड हो जाते हैं। दर्द वर्द तो नहीं हो ना?
पूरा ऑपरेशन वाली फील कितने सिक्स सिब्लिंग्स है ना हाथ तो नहीं है ना हाथ भी है ऊपर बॉडी पे हाथ भी तो आता है टैटू भी मिल जाएगा साथ साथ बस क्या ऐसी बचपन की होती है मेन विंग तो बैक का है बैक भी है बैक तो खाली ऊपर ऊपर है नहीं खाली ऊपर ऊपर जो ट्रैप्स है ना नीचे नहीं है वो ट्रैप्स पे है चल पर चेस्ट और बैक इज ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तो आवाज बंद कर लियो क्या कर रहे हो मैं डर लग रहा है Oh my God, फोन चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है तो ऐसा लगता है इतना पेनफुल भी नहीं है आप तो मेरे को दिलासा दे रहे हो है कुछ नहीं है सच में मेरे ज्यादा भी लग रहा है खाली डर रहे हो आप कुछ लग नहीं रहा आपको और टैटू हटाने में इससे ज्यादा होगा ना कैंसिल ना डर तो वहां भी नहीं मिला है क्या मिल गया है नया इसमें ग्लव्स से काम किया था चाय सीटिंग है तो बाहर बड़ी चाय थोड़ी ग्रोथ कम चलेगी बैक साइड पे शोल्डर को देख रहा है हाथों का बच गया है अगर दूसरी सीटिंग की तब जान आ गई वापिस तो करा लेंगे देख लाल लाल दिख रहा है सो गाइस घर आ गए और सारा जल रहा है और आज शुक्र बाजार लगा हुआ था भाई पालम में 50 मिनट लगे हमें आने में बहुत जल्दी निकलने वाले हैं यहाँ से और कल मिलता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का एपिसोड कल ऐसा एपिसोड तो पूरा ही चल रहा है कल वर्कआउट है हमारा लेग्स का वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट वर्कआउट मिस मत करना मैं लोशन लगा के आता हूँ तो गाइस रिजल्ट की घड़ी आ चुकी है और अभी देख सकते हो आप कि नीचे पाउडर जमा हो गया है और जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं जैसे कि आप दोनों में देख सकते हो कि 9 से 10 ml के बीच में आया है तो मतलब कि हमारा प्रोटीन जो चार्ट के हिसाब से है 65-75% के बीच में प्रोटीन है देख सकते हो आपकी एक इंटरनेशनल ब्रांड और एक इंडियन मसल ब्लेज ब्रांड सेम क्वांटिटी में प्रोटीन है दोनों में और ये जो मैंने यूज करा है जो मैंने अपने तरीके से अपने मैंने सेलेक्ट करा था कि मेरे को करना है सबसे अच्छा प्रोटीन जो मेरे को लगता है इंटरनेशनल में वो लेके आया था मैं दोनों में सेम प्रोटीन परसेंटेज निकला है जैसे कि देख सकते हो जितना बायोजैम पे लेवल पे लिखा होता है प्रोटीन उतना ही प्रोटीन इसके अंदर अब निकला है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भी चेक करो अपने घर पे जिस पे आपको शक है Let me see, get your neck out louder.
हाय बडीज, जिम आ चुके हैं और फाइनली जो मेन टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन वाला लेग्स वर्कआउट, उससे पहले अभी हम थोड़े चोचले कर रहे हैं जो कि बचपन में नहीं करते थे। पहले तो सीधा जूते उतार के नंगे पैर सॉक्स में स्क्वैट लगती थी, अब स्क्वैट के लिए हमने जूते मंगा लिए। देख रहे हो प्रोसेस, प्रोग्रेस सॉरी। ठीक है, पहले इतना था नहीं इतना इम्पोर्टेंट, पहले तो ये था चल लेने दो जितना चल रहा है, तो बनानी है बस। अब थोड़ा दिमाग भी वहाँ आया कि हील वाले जूते होने चाहिए स्क्वैट के लिए फॉर बेटर लिफ्ट, थोड़ा पुश मिलता है। तो बैक टू द सीरीज, जो हमारे वर्कआउट चल रहा था एज अ बिगनर, जिससे हमने थाई इतनी खतरनाक बनाई है क्योंकि पहले से बचपन से ही मैं थाई, जैसे कि लोग भागते हैं कि थाई लगाने से, लेकिन मेरे को तो मज़ा आता था थाई लगाने में, फुल जोर लगाता था मैं। So guys, we are doing first leg extension और single single legs करेंगे पहले थोड़े से warm up के लिए like this। बिल्कुल basic workout होने वाला है लेकिन बिल्कुल effective, तुम्हारा भाई live example है इसका। बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेग्स कोई नहीं छोड़ेगा। अभी आप फर्स्ट सेट लेंगे और देख रहे होंगे कि पहले लोग सबसे पहले स्क्वैट लगाते हैं फिर लेग एक्सटेंशन लगाते हैं, बट मेरे में पहले मैं लेग एक्सटेंशन लगाता था फिर स्क्वैट लगाता था, तो मेरे को मोर इफेक्टिव लगता था स्क्वैट लगाते टाइम। पहले लगाने से और मसल एक्टिवेट हो जाती है और स्क्वैट लगाते टाइम और मसल पे आता है। सो इन बिटवीन सेट रहेगा आपका बस 1.5 मिनट, रेपिटेशन लेने हैं 8 से 10। लोग 2-3 डिफरेंट टाइप से करते हैं स्क्वैट, कोई बिल्कुल ही वाइड बिल्कुल नैरो, मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट। बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से जो बोले हमें क्वाड्स पे लेके आना है, हमें स्ट्रेंथ से मतलब है मतलब, लेकिन इतना मतलब भी नहीं है, पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहे तो नॉर्मल स्टांस रहेंगे आपके, शोल्डर रेशियो लगा लो। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा थोड़ा सा वाइड कर लेना आगे से, आगे टोस को थोड़ा सा वाइड कर लेना अपने आउटर साइड में बस। लेकिन स्टार्टिंग बिल्कुल एज अ बिगनर जो कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ही बिगनर लेवल में, तो मेरा भी थोड़ा आर्क नहीं बनता था, बैक स्ट्रेट नहीं रहती, थोड़ा सा उठते हुए वहाँ बाहर आ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, बट ट्राई करना बैक स्ट्रेट मेरा चेस्ट। वार्म अप सेट में खाली 2 से 3 रहते हैं, राइट बेल्ट पहन लेना, बेल्ट लाता हूँ मैं, हैवी पे जाओगे तो। बॉडी बिल्डिंग इज सो इंडिविजुअल, 4 सेट लेने 8-8 रैप। इफ यू वॉन्ट मोर मोटिवेशन तो यूट्यूब पे जाना एंड सर्च डोरियन येट्स मोटिवेशन, बॉडी बिल्डिंग इज सो इंडिविजुअल, आई एम द मसल, आई एम इन द मसल। पूरा गिर जाना है जैसे आप लास्ट रिलेशनशिप में गिरे थे, बिल्कुल गिर जाना है, डेप्थ बिल्कुल नीचे तक।
सो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस है। लेग प्रेस लगाने से पहले फॉर सेफ्टी नी पैड्स पहन रहे हैं, और उस टाइम तो नी पैड्स सुने भी नहीं थे, ऐसे कुछ आता भी SBD का, SBD नहीं पता थी कोई कंपनी भी है, तो उस टाइम गर्म पट्टी चलती थी। बट गर्म पट्टी में सही है, सेम काम करती है, उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये लूज़ हो जाएगी, गर्म पट्टी को तुम बार बार ही टाइट कर सकते हो, ये एक बार लूज़ हो गए तो बॉडी दोनों तरीके से बन गई। जो भी स्क्वाट पे तो लगाया नहीं इसने ये सब नी पैड, तो स्क्वाट आज मैंने लाइट लिया अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने लास्ट ट्रेनिंग हैवी करी थी तो इसलिए। लेकिन आप हैवी बिल्कुल हैवी ऐसे 4 सेट लगाने हैं डीपेस्ट एंड रेपिटेशन विल बी 8 से 10, फेलियर होना चाहिए 8-1 ओवर। बिल्कुल ऊपर नहीं आना, मसल रिलैक्स हो जाएगी। ये हमारी 4th एक्सरसाइज लाइन लेग कर, अगर ये वाली लाइन वाली नहीं है तो नॉर्मल लेग कर भी लगा सकते हो, जो लेग एक्सटेंशन होता है उसको उल्टा करके। Walking lunges. अभी लगाना स्टार्ट करा है मैंने, हमें तो खाली काफ से मतलब है, मैं फीट में लेग से तो है नहीं इतना मतलब। सो गाइस वर्कआउट इज डन, क्योंकि काफ की हम एक एक्सरसाइज लगा रहे हैं, वैसे 2 लगाते हैं जब हफ्ते में 1 या 2 बार कर रहे हो, मैं हफ्ते में 3 बार कर रहा हूँ तो इसलिए मैं 1 ही लगा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो यही खत्म करते हैं, और पोस्ट वर्कआउट में मैं ले रहा हूँ 8 शेक, ओट्स डाल रखा है और 2 उसको प्रोटीन डाल रखा है इंस्टेंट। यही वीडियो खत्म करते हैं, लव यू सो मच। इस वीडियो को जल्दी सीरीज खत्म करके हमें जो मेन स्टफ लेके आना है वो भी आएगा, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीरीज खत्म हो जाए। इसका एक लास्ट एपिसोड बता है, उसके बाद एक वीडियो गुरुजी के साथ आने वाली है, फिर उसके बाद अभी भी वेलकम टू दुबई।